बिहार में शुक्रवार को एक और पुल हादसा हो गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा बारिश के तेज बहाव में ढह गया। बीते 11 दिनों के भीतर बिहार में पुल गिरने की यह पांचवी घटना है। इससे पहले किशनगंज, अररिया, पूर्वी चंपारण और सीवान में पुल गिर चुके हैं। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना भी साधा है। जानकारी के मुताबिक मधुबनी में भूतही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। यह घटना मधेपुरा प्रखंड के भेजा स्थित ललवार ही टोला की है। यहां 25 मीटर की लंबाई में बीम एवं लोहे का स्ट्रक्चर अचानक धराशायी हो गया। इस पुल का निर्माण 2.98 करोड़ की लागत से हो रहा है।